दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अभी जो कोविड रेस्ट्रिक्शंस है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट फिल करते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल और डोमेस्टिक ट्रैवल। वो सारे हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं, सो दैट कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं मोनीश देवगढ़, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो दोस्तों पहले मैं आपको अपना ट्रैवल प्लान बता देता हूँ। हम लोग पिट्सबर्ग में अभी है, यहाँ से हम लोग न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, न्यूयॉर्क से दिल्ली और दिल्ली से नागपुर। नागपुर इज़ अवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगता है फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए, वो है टिकट। तो जब भी आप टिकट बुक करोगे, एक बार देख लीजिए कि उस समय कोविड और ओमिक्रॉन का क्या सिचुएशन है, और जिस भी एयरलाइन से आप बुक कर रहे हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन देख लीजिए। बट हम जो रिकमेंड करेंगे वो है टू एयरलाइंस, जो क्योंकि वो एयर बबल्स में वही अलाउ है। एक है एयर इंडिया, दूसरा यूनाइटेड। तो हम लोगों ने यूनाइटेड एयरलाइन का ही टिकट बुक किया है। और कहाँ से बुक करें, तो प्रीफर करो कि जहाँ जिस एयरलाइन का आप टिकट लेने वाले हो उसी के साइट्स में जाके आप बुक करिए, एजेंट के थ्रू मत करिए। सो दैट कि अगर आपका फ़्लाइट चेंज होता है या कैंसिल होता है तो आप इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो जैसे कि हम देखें टिकट, तो दोस्तों जब भी आप टिकट बुक करोगे तो आपको मिलेगा एक इटिनरी। तो इटिनरी होता है, इसमें फुल प्लान रहता है आप सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। तो ये है इटिनरी, ये आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा। तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये ऐसा एक सर्टिफिकेट आएगा, ये हमारा सर्टिफिकेट है। तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है दूसरा डॉक्यूमेंट। उसके बाद में जब भी आपका फ़्लाइट टाइम है उसके पहले 72 आवर्स, इसके बीच में आपको एक RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसका निगेटिव रिपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। तो हमने टेस्ट कराए थे, तो हमारा ये निगेटिव रिपोर्ट है, तो RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट। अब RT-PCR किस एज के लिए ज़रूरी है, तो 5 ईयर्स एंड अबव सबको RT-PCR कराना कंपलसरी है। बट 5 ईयर्स एंड बिलो जो भी बच्चे हैं, जैसे अदीरा को RT-PCR टेस्ट का ज़रूरत नहीं पड़ा बिकॉज शी इज़ 3 ईयर ओल्ड, बट हितार्थ को करना पड़ा क्योंकि वो ही इज़ 7 ईयर ओल्ड। सर व्हेन वी विल गेट द रिपोर्ट? जैसे आपको RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट मिलता है, एयर सुविधा के साइट में जाके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें फिल करना है। जो भी आपके पैसेंजर हैं आपके साथ ट्रैवल करने वाले, सबका डिटेल उसी फॉर्म में ऐड करना है। और उसी फॉर्म में दे विल अलाउ यू टू अपलोड योर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट। तो वहीं पे आपको ये अपलोड करना है, सो दैट्स इट, देन यू आर गुड टू गो। सो जैसे आपने एयर सुविधा का जो फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन वो सबमिट किया, तो वो फॉर्म का आपको प्रिंटआउट लेना है और वो आपको कैरी करना है। तो हम लोगों को यहाँ पिट्सबर्ग में ये रिपोर्ट मांगे। इनफैक्ट जो 4 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोले हैं वो सारा हमारा चेक किए सबसे पहले, और उसी के बाद हमको बोर्डिंग पास मिला है। तो दोस्तों ये हमारा बोर्डिंग पास है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ही हमको ये बोर्डिंग पास मिला हुआ है। और दोस्तों ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा सेट है, कुछ ऐसा सेट बनाया हुआ मैंने, ये इसमें 2 पासपोर्ट है, इसमें 2 पासपोर्ट है, इन दोनों बच्चों के और हम दोनों के, और यहाँ पे पूरे सेट बना के रखा हो। तो जो 4 डॉक्यूमेंट मैं बोल रहा हूँ आपको, इटिनरी, वैक्सीन सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपको RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट, और उसके बाद में एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये 4 डॉक्यूमेंट और तुम्हारा पासपोर्ट, इतने डॉक्यूमेंट में तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो अब न्यूयॉर्क में मिलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन बनता है। दोस्तों अभी हम लोग नेवर पहुंच गए हैं, और इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी चेक यहां पर हमारा टेम्परेचर चेक किया, और बोर्डिंग के पहले उन्होंने हमारा एयर सुविधा जो फॉर्म है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमने फिल किए थे, जिसमें कि निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट हमने अपलोड किए थे, वो वाला फॉर्म पूरा चेक किए, सबके चारों के पासपोर्ट चेक किए, उस पासपोर्ट के नंबर के साथ जो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जो फिल किए थे डिटेल, वो सारा मैच किए, और उसके बाद उन्होंने अप्रूव किए। तो ये टिकट पे उन्होंने कुछ मार्क किए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि बोर्डिंग पास पे ना ये टी बना हुआ है, दैट इज़ की टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर चेक करने के बाद में वो बंदे इस बोर्डिंग पास पे टी मार्क कर देते हैं, दैट मीन्स की
टेम्परेचर हैज़ बीन चेक, और जो सुविधा फॉर्म है वो पूरा वैलिडेट करने के बाद में ये लोग ट्रैवल रेडी करके ऐसा मार्क कर देते हैं, ट्रैवल रेडी है ना यहाँ पे ऐसा सर्कल मार्क कर देते हैं। तो दिस हैज़ बीन चेक्ड इन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, सो दैट्स इट गाइस। सो यहाँ पर ये चीज़ होती है। दोस्तों अभी सामान वगैरह रख दिया हम लोगों ने और अभी हम लोग दिल्ली जाने के लिए रेडी है। तो न्यूयॉर्क से दिल्ली की जो फ्लाइट है बड़ी वाली, वहीं पे बैठे हम लोग अभी। तो सामान वगैरह सब सेट हो गया है, तो बस अब फ्लाइट उड़ने का देर है। तो मिलते हैं आपको दिल्ली में, देखते हैं वहाँ पे क्या सिक्योरिटी चेक होते हैं या फिर और कुछ टर्म्स और कंडीशन क्या क्या रहते हैं वहाँ पे, देखते हैं वो भी एक्सपीरियंस करते हैं, पूरा रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग नागपुर पहुंच गए हैं, बट दिल्ली में कुछ एयरपोर्ट का काम चल रहा था और वहाँ पर बहुत नॉइस हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं कर सका क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचा नागपुर जाके शांति से शेयर करूँगा। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे नागपुर में। तो दिल्ली में जब हम लोग पहुँचे थे तो जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग कंट्री में लैंड करते हैं तो सबसे पहले इमिग्रेशन होता है, बट इस बार इमिग्रेशन के पहले एक स्टेप हुआ कि उसमें हमारा जो एयर सुविधा फॉर्म था वो प्लस बोर्डिंग पास और उसके साथ में पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ें वैलिडेट की है। और उसके बाद में ना इन्होंने जो हमारा बोर्डिंग पास था उस पर एक स्टैम्प लगाए और तभी हमको आगे जाने के लिए अलाउ किए। दोस्तों ये जो स्टैम्प दिख रहा है ना, ये स्टैम्प यूज़ करते हैं अपने बोर्डिंग पास पे, तो जिससे कि उसके बाद ही वो लोग इमिग्रेशन में जाने के लिए हमको अलाउ करते हैं। तो दोस्तों बोर्डिंग पास अच्छे से कैरी करिएगा और बोर्डिंग पास पर ही वो लोग स्टैम्प देते हैं और बोर्डिंग पास पर स्टैम्प देने के बाद में वो लोग आगे अलाउ करते हैं। तो वहाँ पे हुआ, उसके बाद में इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन के समय भी उन्होंने बोर्डिंग पास हमसे मांगे थे और बस दैट्स इट। इमिग्रेशन होने के बाद में अगर आपका दिल्ली तक ही सफ़र है तो आपका सफ़र यहाँ तक ख़त्म हुआ है। अब दिल्ली के बाद जो आगे जाने वाले, जैसे हम लोग नागपुर आए हैं तो आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट, डोमेस्टिक टर्मिनल जाना पड़ेगा। और डोमेस्टिक जब आप चेक इन करोगे तो वहाँ पर आपको एयर सुविधा का फॉर्म नहीं मांगेंगे, बट वहाँ पर आपका वैक्सीनेशन रिपोर्ट प्लस जो आपने आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट का रिपोर्ट शो किया है वो वाला रिपोर्ट आपको मांगेंगे वो लोग। बट स्टेट वाइज ये डिफ़र करता है कि जो 72 आवर्स का विंडो है महाराष्ट्र के लिए, अदर स्टेट के लिए मे भी डिफ़र करेगा, तो आप पता कर लीजिएगा। मैं महाराष्ट्र में लैंड होने वाला था इसलिए मुझे महाराष्ट्र का पता है, तो मेरा जो था मतलब हम सबका जो था 72 आवर्स के बीच में आरटीपीसीआर टेस्ट हो चुका था, तो इसलिए हम सबका काम चल गया। और दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ पे लैंड किए नागपुर में फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो हमसे एक फॉर्म भरवा के लिया, तो मे बी शायद ट्रेस करने के लिए इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो दे कैन ट्रेस इजीली। सो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, अभी थोड़ा मिक्स इमोशन है, अपने वतन पे आए, भारत पे आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ तुरंत ही, बाद में शायद मैं फैमिली के साथ मिक्स हो जाऊँ तो शायद भूल जाएंगे हम लोग। तो यही सब था दोस्तों, अगर आप ट्रैवल कर रहे होगे तो आप सबको हैप्पी जर्नी और डरिए मत, अच्छे से जाइए। और ये 6 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले बताए हैं, 6 डॉक्यूमेंट आप कैरी करिए, 6 डॉक्यूमेंट से 4 तो मैंने आपको पहले बताए, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इटिनरी, वैक्सीन सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और उसके बाद में एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, और जो 6 जो ऐड हुआ है वो है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इनफैक्ट दिल्ली से आप जब दूसरे टर्मिनल पे जाओगे तो आपको एक शटल बस लेना पड़ेगा, तो उस शटल बस का कूपन निकालने के लिए भी आपको बोर्डिंग पास ज़रूरी रहेगा, तो इसलिए बोर्डिंग पास को अच्छे से रखिएगा। मेरे से फट गया था बट फिर भी चल गया लकीली, तो आप ऐसा गलती मत करिएगा। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो तक था, फैमिली आए लेने के लिए, अभी जा रहे हम लोग घर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू, बाय बाय। अगं कालपासून खूप एक्साइटेड आता।